हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग. आई एम तबरेज़ अख्तर. दिस इज़ योर साइंस क्लास. इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7, एंड वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट 7.3 क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशन. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट next topic, the polar region. The polar region present an extreme climate. This region are covered with snow and it is very cold for most part of the year. ठीक है, तो polar region जो region होता है वो mostly क्या होता है, ice से covered रहता है, पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ होता है, बर्फ में cover होता है. ठीक है, और ज़्यादातर उस मोस्ट ऑफ़ द ईयर यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर यानी पूरे साल लगभग लगभग वहाँ बर्फ़ होती है. वो 6 मंथ द सन डज़ नॉट सेट, वहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, और निकलता है तो 6 महीने तक नहीं डूबता. इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो एज 37 -37, और विंटर में बहुत ठंडी होती है, लाइक 37 -37 डिग्री. ठीक है, अब वहाँ पे रहने वाले को एनिमल्स हैं उनकी बात करेंगे, तो वो कैसे वहाँ पे रह पाते हैं. ठीक है, उनके अंदर कौन से फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. पोलर बियर हैव वाइट फर सो डैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड. पोलर बियर जो वहाँ पे पाए जाते हैं उनका वाइट फर होता है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट विजिबल देयर. वो वहाँ पे विजिबल नहीं हो पाते, यानी दिखते नहीं हैं. क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके वाइट फर होते हैं, वाइट स्नो में वो ढक जाते हैं. तो ये एक तरीके का प्रोटेक्शन हो गया उनका फ्रॉम प्रेडेटर्स. तो प्रेडेटर्स जो होते हैं, जो भी शिकार उनके करने वाले होते हैं, उनसे बचने के लिए उसके जो वाइट कलर होता है वो उसको बचाता है. इट इज़ ऑल्सो हेल्प देन इन कैचिंग देयर प्रे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. ठीक है, साथ ही साथ इनको जब शिकार करना होता है पोलर बियर को, तो ये भी ऐसे छुप सकते हैं स्नो में, क्योंकि ये वाइट फर वाले होते हैं, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते ठीक से स्नो में, इसीलिए ये अपना शिकार भी कर सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ इनके पास दो थिक लेयर होती है फर की. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंदर देयर स्किन. साथ ही साथ उनके स्किन के अंदर जो है ना फैट भी होता है, जमा हुआ होता है, चर्बी जमा हुई होती है. इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड. यहाँ तक कि वो इतना इंसुलेटेड होते हैं कि वो तेज़ी तेज़ी चलते भी नहीं हैं. अगर वो ज़्यादा तेज चलेंगे और ठीक है रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. इसीलिए वो इतना प्रोटेक्टेड रहते हैं कि उनको गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग. ठीक है, गर्म दिनों में क्या होता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा ठंडा बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो इतना प्रोटेक्टेड है कि उसको गर्मी लगती है, तो इसीलिए वो स्विमिंग यानी पानी में रहना भी पसंद करता है, यानी पानी में भी जाता है. इट इज़ अ गुड स्विमर. इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विद विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन स्नो. तो ठीक है, उनके पैर जो होते हैं बड़े चौड़े से होते हैं, जो इसमें क्या स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ स्नो में चलने में भी हेल्प करते हैं. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. साथ ही साथ एक क्वालिटी ये होती है कि ये अंडर वाटर यानी पानी के अंदर रह सकते हैं, और कितनी देर तक रह सकते हैं, ये बहुत देर तक रह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी नाक को बंद कर लेते हैं और अपनी सांस को रोक लेते हैं. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. इसके साथ साथ बहुत इस सेंस ऑफ स्मेल जो है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, डैट मीन्स दे कैन सेंस देयर प्रे इन अ लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अगर दूर डिस्टेंस में भी अगर इनकी प्रे है तो फिर भी ये जो है ये स्मेल करके उनको पकड़ सकते हैं. ठीक है,
यहाँ आपका डायग्राम शो कर रहा है कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अडाप्टेशन ऑफ पोलर बेयर, द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। वाइट फर की वजह से दिखाई नहीं देते, प्रेडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी, इसी वजह से वो प्रेडेटर्स को नहीं दिखाई देते हैं और प्रे को भी नहीं दिखाई देते, और इसीलिए वो शिकार भी कर लेते हैं और इनका कोई शिकार नहीं कर सकता। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, थिक लेयर ऑफ फर होता है, इट हेल्प्स द बियर। सेंस ऑफ स्मेल से क्या होता है कि अपने शिकार को पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद पैर भी इनके चौड़े चौड़े होते हैं जिससे वह आइस में चलते हैं। तो इस तरीके से सारी क्वालिटीज़ हमने अभी डिस्कस की है। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ पेंगुइन। 7.4, हाउ इट लुक्स, दिस इज़ पेंगुइन, पेंगुइन्स हैंडल्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये पेंगुइन्स होती हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी क्या है कि वाइट बैकग्राउंड की से मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी वाइट होती हैं बीच में थे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। एक तो इनकी स्किन जो होती है वो उसके अंदर फैट बहुत होता है, थिक होती है, मोटी स्किन भी होती है, तो इसकी वजह से इनको ठंड से बचने में हेल्प होती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हैंडल टुगेदर, दिस दे डू टू कीप वार्म। और ये एक साथ एक दूसरे के साथ कभी कभी बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं ताकि ठंडी को दूर कर सके, यानी एक दूसरे की बॉडी की वजह से गर्म रह सके। रिकल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। जैसे कि आप किसी बहुत भरे हुए हॉल में हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, तो आपको गर्मी लगेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब किसी पेंगुइन ने किसी और पेंगुइन के साथ अगर रखा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उनकी बॉडी की गर्मी की वजह से एक दूसरे को वो गर्म रख सकते हैं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन आर ऑल्सो स्विमिंग, देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स। ठीक है, तो उनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, यानी ऑलमोस्ट जो मछलियाँ होती हैं उनकी तरह की बॉडी उनकी होती है, बाय शेप, यानी शेप जैसे शेप के हिसाब से अगर बात की जाए तो मछलियों को जैसा शेप की बॉडी होती है, इसलिए जो होता है तो इनको स्विमिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। साथ ही साथ उनका जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो वेब के टाइप के होते हैं, यानी अच्छे चौड़े फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनसे उनको स्विमिंग में उससे हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन, मैनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क ऑक्सीजन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील, वेल एंड बर्ड्स, ऑक्सन। ठीक है, तो इतने कुछ और भी एनिमल्स हैं जिनके नेम दिए हुए हैं, रेनडियर, फॉक्सेस, फिशेस, सील, वेल, बर्ड्स, ये भी पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ रह सकते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन वेन विंटर सेट्स इन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमें याद रखना है कि फिश जो होती हैं वो बहुत समय तक ठंडे पानी के अंदर भी रह सकती हैं। बर्ड्स जो होती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। अब बर्ड्स के अंदर अगर वो क्वालिटी नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके, तो उनके अंदर वो उनके पास पंख हैं। आखिर पंख क्या काम में आता है कि जब उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ठंडी, या ठंडी उसके उसके यू नो रेजिस्ट करने से ज़्यादा हो जाती है, देन ऑल द बर्ड्स दे लीव देयर प्लेस, दे लीव एंड माइग्रेट टू अदर प्लेस। क्या होता है कि ये अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और फिर वापस अपनी जगह तब आते हैं जब ठंड ख़त्म हो जाए।
यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी दीज बर्ड्स. यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भारतपुर इन राजस्थान. ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. ठीक है, और इसका एक एग्ज़ाम्पल आपने ये सुना होगा कि आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा. तो साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेट होके कभी कभी या अक्सर कह सकते हैं माइग्रेट होके आती हैं, और कहाँ आपको इसका दिखाई देने को मिलता होगा, भारतपुर इन राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम अदर प्लेसेस में आपको ये दिख सकती हैं, जो कि यहाँ की नहीं होती, वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. ठीक है, तो अब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर हमने पोलर रीजन की बात कर ली है ना, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन में हमने बात कर ली पोलर रीजन की, और पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनकी भी हमने बात कर ली. ठीक है, यहाँ पे आपने माइग्रेटरी बर्ड की पिक्चर भी दी हुई है. ये बर्ड बाहर से आती हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आती हैं, उसके बाद फिर चली जाती हैं. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गर्म होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो इनकी लोकेशन होती है वो इक्वेटर के पास होती है. इक्वेटर क्या होता है, पर जो हमारी अर्थ है, यह आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो हमारी अर्थ है SST में, तो वो उसके बीच से एक लाइन खींची गई है, एक लाइन बनाई गई है. ठीक है, उस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होता है, जो भी शहर और देश होते हैं, तो वो हम उसको कहते हैं कि भाई ये इक्वेटर के आसपास लाए कर रहा है. ऐसे ही जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि वो इक्वेटर के पास होते हैं, यानी इक्वेटर जो होती है बीच की लाइन होती है, जो हमारे ग्लोब में बीच में लाइन खींची होती है. ठीक है, अच्छा, वहाँ गर्म क्यों होता है, गर्मी क्यों होती है, क्योंकि उस पर सन जो है, उसकी जो सन सन की जो इंटेंसिटी है वो उस एरिया पर ज़्यादा होगा, बीच वाले एरिया पर ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ का एरिया ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस 40°C. तो क्या गर्मियों में 40°C के ऊपर उनका टेम्परेचर हो जाता है इस जगह का, और ठंडियों में 15 डिग्री के आसपास या उससे आसपास रहता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होता. इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल बराबर मात्रा में होती है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, और साथ ही साथ हमारे इंडिया में कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में और असम में ये पाया जाता है. ठीक है, अब साउथ ईस्ट एशिया में भी ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म्थ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट वाइड वराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जब यहाँ पे बारिश भी बराबर होती है और गर्मी भी हिसाब से पड़ती है, तो इसीलिए ये इतना अच्छा मौसम पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे मिल जाते हैं. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिलास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ETC. तो इतने सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और उनमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, गोरिल्ला, मंकी, एलिफेंट, लेपर्ड और लिजर्ड वगैरह के एग्जांपल्स हैं. लेट अस फाइंड आउट, रीड अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट, ह्यूमिड एंड क्लाइमेट. द क्लाइमेट कंडीशन इन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर ऑफ वराइटी ऑफ एनिमल्स. अब देखते हैं कि इन एनिमल्स में क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेट को रजिस्ट कर पाते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से वो रह पाते हैं. सिंस द नंबर्स आर लार्ज, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. जो कि हमें पता है कि यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको बहुत कंपटीशन भी होता होगा रहने और खाने के लिए. ठीक है, ज़्यादा एनिमल्स हैं तो इसका मतलब खाने की चीज़ें, फॉर एग्जांपल कोई एनिमल अगर सिर्फ पत्तियाँ खाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाता है,
ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो कि पत्तियां ही खाते हैं, और इसलिए फिर शॉर्टेज हो सकती है पत्तियों की, इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है। इतने सारे एनिमल्स की वजह से कंपटीशन हो सकता है, किसके लिए? फॉर फूड एंड एल शेल्टर, खाने के लिए भी हो सकता है, शेल्टर के लिए भी। हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मंकी की बात करें तो उनके पास, यहाँ पे पाए जाने वाले जो मंकी होते हैं उनकी जो टेल जो होती है, पूछे होती है, बहुत लंबी होती है ताकि पत्तियों को वो पकड़ सके। एंड देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, और उनके हाथ भी थोड़े चौड़े होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रांच में को अच्छी तरीके से होल्ड कर चुके सके, ठीक है। तो ये न्यू वर्ल्ड मंकी है जो कि 7.8 पिक्चर में दिया हुआ है। ये देखो इसकी पूंछ इतनी बड़ी है क्योंकि जिस जगह पे वो रहता है उसको दूर दूर की पत्तियां तोड़ के खाना पड़ता है। एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजली रीचेबल। अब यहाँ फूड की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और एनिमल्स की वैरायटी होती है यहाँ पे, इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स ने अपने अपने आप को कुछ ऐसा अडॉप्ट कर लिया है जिसकी वजह से ऐसे फूड को भी वो ले लेते हैं जो फूड पहले उनको लेना पॉसिबल नहीं था। स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द बर्ड ट्यूशान, ठीक है। एक ट्यूशान या टोकन करके एक बर्ड है, ठीक है, तो विच पॉजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक, ठीक है, उसके पास लंबी बीक होती है। दिस हेल्प्स अ टूकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस, तो इसको इनकी लंबी बीक क्या किस वजह से इसको हेल्प करती है, ताकि फ्रूट तक पहुंच जाए जो ब्रांचेस में लगे हुए हैं। आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्रूट जो कि लगे हुए हैं ब्रांचेस में और वो लटके हुए हैं, जस्ट टूटने ही वाले हैं या टूट सकते हैं इजीली, ऐसे फ्रूट को ये खाते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स जो होते हैं उनकी आंखें तेज़ होती हैं, कुछ के स्किन जो होती है वो बहुत मोटी होती है, कुछ का स्किन कलर जो होता है वो ऐसा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे इजीली छुप सके। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, ठीक है। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, तो ये उनको प्रेडेटर से बचने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, जैसे कि बिग कैट का एग्जाम्पल दें, जैसे कि यहाँ पे एक रेड आइड फ्रॉग की तस्वीर है, पिक्चर है, फिगर 7.7, ठीक है। यहाँ पे देखो टोकन जो है ये एक आपका बर्ड है 7.9 में, इसकी लंबी बीक है, इसकी वजह से ये वहाँ पे सरवाइव कर पाता है। इनको जो फल चाहिए होते हैं ये बीक की लंबी होने की वजह से, ठीक है, ले लेता है और खा लेता है। लॉयन टेल्ड मकाव जो है वो 7.10 में पिक्चर दिया हुआ है, इसकी भी बड़ी पूंछ होने की वजह से इसको इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो लायन और टाइगर जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनकी हेयरिंग से अच्छी होती है, ठीक है ना, और स्किन भी थिक होती है। द लॉयन टेल्ड मकाव ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप लिव्स इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। इट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑन द ट्री, ठीक है। अब फिर उसके बाद लायन टेल्ड मकाऊ की बात करते हैं, तो ये इसके पास एक फीचर है कि इसके मुंह में आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद पूरे बाल होते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है, बियर्ड एप भी इसको कहते हैं इसीलिए, ठीक है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, एक बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, एंड स्पेंड अ मेजर टाइम पार्ट ऑफ टाइम इन द ट्री, और पेड़ में ही रहना पसंद करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, इट ऑल्सो ईट सीड, यंग लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर एंड बर्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ें खाता है, जनरली फ्रूट खाता है और साथ ही साथ पत्तियाँ और बर्ड्स वगैरह, बर्ड यानी BUDS, बर्ड्स और
फ्लावर्स वगैरह भी खा लेता है बर्ड्स, वो जो आपको पेड़ में छोटे छोटे निकले होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर जैक भी कह सकते हैं आपको, है ना। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, और पेड़ में छोटे छोटे कीड़े जो चलते रहते हैं उसको भी वो खाता रहता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, जब उसको पूरे सारे जो चीज़ चाहिए होती है जो खाने पीने की चीज़ उसको ट्री में ही मिल जाती है, इसलिए वो नीचे नहीं आता, जनरली ऊपर ही रहता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। उसके बाद एक और हमारे पास अमेजिंग एनिमल है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल है, वो है एक एलिफेंट, जो रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एलिफेंट है। इसमें इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप है, इट हैज़ अडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, तो इसने अपने आप को रेन फॉरेस्ट के हिसाब से कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से ढाल लिया है, ठीक है। लुक एट इट्स ट्रंक, इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। ये जो है अपनी नोज़ का यूज़ करता है और इसके नोज़ जो है उसमें वो जो है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय फॉर पिकिंग अ फूड, और ट्रंक जो है इसलिए उसने यूज़ करना है अपनी यूज़ करता है ट्रंक यानी सूंड, ताकि वो फ्रूट को पिक कर सके। इट्स सक टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, उसके दांत जो है बहुत मॉडिफाइड होते हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, तो बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं वो पेड़ों को तोड़ सकते हैं, उनकी छालों को तोड़ सकते हैं, और जो कि वो पेड़ वो कुछ की छालों को एलिफेंट खाना बहुत पसंद करता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल, इसीलिए वो वहाँ पे रहने के लिए अपने आप में सूटेबल है, क्योंकि वो उसको जो चाहिए वो अपने हिसाब से कर लेता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बड़े बड़े कान जो हैं उसको दूर की सुनने में बहुत हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और साथ ही साथ ये जो बड़े बड़े कान हैं उसको उसको ठंडा रखते हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम पे, ठीक है। ये हो गया, आपने एलिफेंट के बारे में पढ़ लिया, और फीचर्स ऑफ एलिफेंट ऑफ है ना विच इज़ फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक टूकॉन एंड मकाओ, तो इस तरीके से हमने कुछ एनिमल्स के बारे में रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, यहाँ पे हमको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स मैं आपको सेंड करता हूँ और इस क्लास के साथ साथ सेंड करूँगा, और कॉपी आप कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।